हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय त्रिकोण यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वी फोन गागा और F1 से एक साथ में लोडर कैसे लगाएं अपने एंड्रॉइड मोबाइल से, वो भी बैकग्राउंड में। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। ऑल पे क्लिक करने से दोस्तों क्या होगा, आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको F1 VM लाइट डाउनलोड कर लेना है, देन वी फोन गागा उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ से पहले डाउनलोड कर रखा है, तो जस्ट मैं यहाँ पे F1 को ओपन कर लिया हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, यानी कि स्टार्ट में टाइम लेता है। जैसे ये स्टार्ट हो जाता है उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है वो ध्यान से देखना है, आपको ऐड करना है ऐड ऐप। जैसे कि दोस्तों, मैं अभी एप्पल आई से आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उससे पहले मैं क्लिकमेट आपको ऐड करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कुछ लोग का कहना है कि क्लिकमेट हमारा जो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता है, एरर आ जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आया है कि इंटरफेस जो हमारा एरर आ जाए। तो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे क्लिकमेट भी आ गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने पहले से एप्पल लाइट यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कीबोर्ड भी एक ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले से कर रखा है। और एक ख़ास बात, आपको यहाँ पे अपना आईडी लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं पहले सबसे एप्पल लाइट ओपन कर ले रहा हूँ। एप्पल लाइट ओपन करने के बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले से अपना आईडी लॉगिन कर रखा है, आपको भी ऐसे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको जिस पोस्ट में लोडर लगाना है, यानी जिस भी पोस्ट में आपको जाना है, उस अपने पोस्ट को सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है अपने पोस्ट पे। तो जैसे कि दोस्तों, मैं अपने ऑफिशियल फेसबुक का मेरा एक पोस्ट है, मैंने पोस्ट कर रखा है, जस्ट मैं आपको उसी में दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं ट्राई भी कर रहा था। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे अपना पोस्ट यहाँ पे खोल लेता हूँ, यानी कि अपना जो एफबी लाइट है सबका सेटअप कर लिया हूँ। उसके बाद मैं अपना क्लिकमेट ओपन कर लिया हूँ। यहाँ से परमिशन क्लिकमेट का दे देना है हमें, ये जो क्लिकमेट ऑफ है इस पर क्लिक कर देना है। देन ये जो आइकन है, आइकन पर क्लिक करके ओके कर देना है, यानी कि यहाँ से हमारा ऑन हो जाए। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ऑल ऐप है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है। तो जैसे कि बैक आना है, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जस्ट स्किप करना है। उसके बाद यहाँ से आप कहीं भी टच कर देना तो आपके सामने रिकॉर्डिंग मोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे रिकॉर्डिंग मोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जस्ट आपको करना क्या है, रिपीट काउंट पे जो एक है, एक हटा के जीरो कर देना है, ठीक है। ये मेरा कीबोर्ड पहले से ऑन कर रखा है, इसे मैं ऑफ करके जीरो कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो हमारा कीबोर्ड है उसे एक्टिवेट करना होगा, यानी कि इससे तो होगा नहीं, आपको ही पता है इस कीबोर्ड तो होगा नहीं। तो चलिए मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, अपना जो जिसे अभी करना है उसे एक्टिवेट करके यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। अगर जीरो नहीं करूँगा तो हमारा जो ये रिपीट काउंट है ये एक बार होगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, आपको भी पता है, और जिसे नहीं पता है वो ध्यान से देख लेना। तो चलिए यहाँ पर कर लेना है आपको जीरो, एक हटा के जीरो कर देना है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप मिनिमाइज़ करके आ जाना है। उसके बाद अपना जो कीबोर्ड था उसी कीबोर्ड को फिर से एक्टिवेट कर लेते हैं। दोस्तों, एक्टिवेट हमारा ये हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हमारा जो एप्पल लाइट है ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है, आ जाना है अपने वी फोन गागा में, ओके। तो यहाँ से F1 का आइकन आप देख सकते हो, हमारे यहाँ पे जो फ्लोटिंग आइकन है यहाँ पे शो कर रहा है। जस्ट हमें वी फोन गागा को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेता है दोस्तों, ध्यान देना ये टाइम लेता है। तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ओपन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले से एप्पल लाइट यहाँ पे 3 एप्पल लाइट यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, अपना क्लिक मैट इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ पे आ जाना है मीडिया फाइल पे, उसके बाद यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें अपना क्लिक मैट इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके पहले कीबोर्ड भी सेलेक्ट कर लेते हैं, साथ में हो जाएगा हमारा, दोनों काम हो जाए जिसमें, और क्लिक मैट को भी कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। और एक एप्पल लाइट भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपको ये ना हो कि यार मेरा एप्पल लाइट यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या आ रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने तीनों एक साथ में किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा सक्सेसफुली यहाँ से हो जा रहा है। जैसे हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जस्ट आपको करना क्या है, आपको बैक आ जाना है अपने होम पे, यानी कि अपने वी फोन गागा में। उसके बाद दोस्तों, ये जो आइकन देख रहे हैं जहाँ पे मैंने मार्क लगाया, यहाँ पे मैंने पहले से कोई VIV बहुत सारे यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं। उसके बाद दोस्तों, करना क्या है, आपको एक जगह पे इसे रख लेना है। उसके बाद क्लिक मैट को भी यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे मतलब टच करके यहाँ पे ला के सामने रख लेना है। अभी हमें करना क्या है, हमें अब इसका रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्लिक अपने कीबोर्ड का सेटिंग कर लेते हैं, जो कीबोर्ड में क्लिप ऐड करना है।
तो सिंपली क्लिक आप अपना कीबोर्ड को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद सिंपली करना क्या है, नंबर ऑफ रो में जाना है। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, 8 पे क्लिक कर देना है, यानी 8 पे। 8 पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है, साइज जैसे कि 24 या 32 जो भी आपको करना होगा अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे की बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो क्लिप रहेगा वो साफ साफ दिखाई देगा। उसके बाद हमें करना क्या है, कस्टम की पे आ जाना है। तो चलिए कस्टम की पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो पहले से हैं इसे हटा के अपना की जो क्लिप है उसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें करना क्या है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें आप अपना जैसे CP सेव कर लो, जो भी आपको रखना है अपने अकॉर्डिंग सेव कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे जस्ट इमोजेस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और आपको अपने अकॉर्डिंग सेव कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आप जितना चाहोगे दोस्तों उतना आपका सेव होता जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कितना सेव कर सकते हो। तो दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, दो ही करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको जितना करना होगा कर लेना। उसके बाद हमारा क्लिक मैट को भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से भी इसका भी परमिशन हमें दे देना है, यानी कि इनेबल कर लेना है। इनेबल करेंगे तो दोस्तों यहाँ से इंटरफेस आ जाएगा क्लिक मैट का, तो क्लिक मैट अपना ऐड कर लेना, मतलब ऑन कर देना आइकन क्लिक मैट का। उसके बाद यहाँ से ऑल ऐप पे कर देना। उसके बाद फिर से आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद दोस्तों आपको स्किप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद और अगर वीडियो लॉन्ग जा रहा है तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लेना। उसके बाद सिंपली यहाँ से भी इसको जीरो कर देना, जीरो करने के बाद इसे बैक कर लेना है, ओके। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें एफबी लाइट से अपने उसी पोस्ट पे जाना है जिस पोस्ट में हमें लोडर लगाना है, ठीक है। तो मैं अपने अतुल आईडी से ही चला जाता हूँ, मेरा जो पोस्ट कर रखा हूँ मैं उसी पे आपको दिखाने वाला हूँ लगा के। तो चलिए एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं, फिर से जो हमारा पोस्ट है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पोस्ट है मैंने ओपन कर लिया है। और दोस्तों मैं दो आईडी से लगा के दिखाने वाला हूँ, यानी कि दो दो एबिलाइट से लगा के दिखाने वाला हूँ, दो एबिलाइट उसमें से, दो एबिलाइट इसमें से। आप जितना चाहते हो आप उतना लगा लेना, आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है जितना लगा सकते हो आप, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 आईडी लगाओ, काफ़ी है। उसके बाद दोस्तों इसे भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं, जो हमारा कीबोर्ड है एक्टिवेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से भी हमारा ओपन हो जाए जिसमें और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो चलिए यहाँ से इसे एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि हमारा एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कीबोर्ड एक्टिवेट हो गया है। जस्ट मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ। और हमें करना क्या है, ये जो क्लिक मैट का बटन है बीच वाला, उससे करेंगे तो आपका ये मिनिमाइज़ होगा, उससे ही आपको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है दोस्तों, याद रखना उसी से मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद हमारी ये रिकॉर्डिंग सेफ, ओके। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से ऑन कर देना है, यानी कि क्लिक मैट को ओपन कर देना है, यानी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो हो गया है, अब हमें करना क्या है, रियल फ़ोन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे रियल फ़ोन दिख रहा है तो यहाँ से हमारा मिनिमाइज़ हो गया है, आप साइड में आइकन देख सकते हो दोस्तों, आइकन आ गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, F1 का भी, F1 का भी जो रिकॉर्डिंग करना है। तो चलिए फटाफट रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, यहाँ से डू नॉट पे कर देते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, एबलेट पे क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है हमारा। तो यहाँ से अभी हमें करना क्या है कि क्लिप सेंड करना है, तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग अपना क्लिप सेंड कर देना है। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ से स्टॉप करना है। स्टॉप करने से पहले जितना आपको क्लिप करना है सेंड करना है तो आपको कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से मैंने 3 बना के रखे हैं तो हमें 3 करना है। और ये हमारा एक सेव हो चुका है, हमें करना क्या है, अभी हमें इसे भी स्टार्ट कर देना है, यानी क्लिक मैट को यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। म्यूजिक जैसे दिख रहा है वैसे क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हमें इसे भी अपने फ़ोन के ही जो बटन है उसे आप मिनिमाइज़ कर दोगे, हो जाएगा। दोस्तों दोनों आइकन आप देख सकते हो, दोनों फ्लोटिंग आइकन दिख रहा है, F1 का और V1 गागा का भी। तो चलिए मैं अपने अतुल आईडी से भी दिखा दे रहा हूँ, यानी कि हमारा कमेंट्स यहाँ पे रनिंग हो रहा है या कहीं एरर तो नहीं आ रहा है, या हमारा जो लोडर है वो भटक रहा है या कुछ ऐसा वैसा। तो दोस्तों आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 4 आईडी सेट किया है, 2 F1 VM लाइट से और 2 V1 गागा से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर दोस्तों आप F1 से 8 आईडी लगाते हो और V1 गागा से भी 8 आईडी लगाते हो तो आपका 16 आईडी हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आप यहाँ से दोनों का आइकन देख सकते हो, यहाँ से हमारा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है और ये ऐसे चलता रहेगा, जब तक चाहोगे तब तक चलता रहेगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे वीडियोस लाता रहता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जो कमेंट है ये कितनी स्पीड में बढ़ता जा रहा है, रिफ्रेश मैं कर दे रहा हूँ, अभी 37 38 हो गया, यानी कि जो हमारा क्लिप था उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आता जा रहा है। 39 कमेंट्स हो गए यहाँ पे, कितनी स्पीड से आ रहा है,
कोई एरर नहीं आ रहा है, ना ही कोई प्रॉब्लम शो कर रहा है। और उसके बाद हमें करना क्या है, अभी हमें ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफ़ अगर करना है तो पहले आपको अपना क्लिक मैट पे जाना है। क्लिक मैट आपको यहाँ पे पॉज कर देना है। ये जो ऊपर देख सकते हो ये पॉज वाला है, पॉज जैसे कि मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, सिंपली आपको भी ऐसे कर देना है। उसके बाद करना क्या है, अगर क्लिक जैसे कि फोन गागा है आपका, इसे हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से ये हटा सकते हो। ये जो ऑफ़ है, पावर ऑफ़ पे क्लिक कर देना दोस्तों, आपका ये हट जाएगा। उसके बाद कन्फर्म आएगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देना तो ये आपका हट जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको F1 को भी करना है, तो आपको F1 को भी ऐसे ही करना है। F1 पे क्लिक कर देना, जो उसका फ्लोटिंग आइकन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो क्लिक मैट है उस पर क्लिक करके स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद हमें जो साइड में जो ऑप्शन आ रहा है इसका, हमारा मिनिमाइज़ करने का साइड में ऑप्शन आता है दोस्तों, उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ से आ जाना है, शट डाउन यहाँ पर लिखा है, जस्ट हमें करना क्या है, शट डाउन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, ओके कर देना है। तो चलिए कर देते हैं ओके। जैसे करेंगे तो आपका यहाँ से शट डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।